ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 20 में क्वेश्चन नंबर 1 तो शायद हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, नहीं हुआ था, डाउट है, हो गया, किसी को डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट है? 3, पार्टिकल डिस्क्राइब्स अ हॉरिजॉन्टल सर्कल इन अ कॉनिकल फनल, हमने एक टाइप ऑफ क्वेश्चन किया था कोन वाला, कोन के अंदर जो इंसेक्ट घूमते हैं आपको याद होगा उसकी ज्योमेट्री कैसी है, सर्कुलर मोशन में किया था, और कह रहे हैं हुज इनर सरफेस इज स्मूथ विद अ स्पीड ऑफ 0.5 मीटर पर सेकेंड्स के साथ वो बॉडी घूम रही है, व्हाट इज द हाइट ऑफ द प्लेन ऑफ द सर्कल फ्रॉम द वर्टेक्स से, उसकी हाइट क्या होगी, ये क्वेश्चन है, तो याद करो ऐसा फिगर आपको दिखा होगा सर्कुलर में, याद करो ये सेम फिगर बनवाई थी, तो आपको इस क्वेश्चन के अंदर कैसे बनाया था कि मान लो कोई भी बॉडी घूम रही है इन अ रेडियस ऑफ स्मॉल आर और ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स से हाइट आपको एच मान ली मैंने, हाइट एच है और मुझे निकालना क्या है, मुझे बस ये पता है कि उसकी स्पीड क्या है, मुझे हाइट की वैल्यू निकालनी है, इसमें हाइट की क्या वैल्यू है, बस एच निकालना है, तो वर्टेक्स के केस में ये एंगल कितना है थीटा, हमने ज्योमेट्री बनाई थी, नॉर्मल रिएक्शन बताया था सेंटर की तरफ नहीं होता कोन में, स्फीयर हेमिस्फीयर में सेंटर की तरफ होता है, कोन में कुछ नहीं करना, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जाए या ना जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो नॉर्मल रिएक्शन एन, तो ये थीटा, तो ये एंगल भी थीटा प्रूव हुआ था, क्योंकि अगर ये थीटा तो अल्टरनेट से ये थीटा था तो 90 माइनस थीटा से थीटा था, तो एन के दो कॉम्पोनेंट से एन कॉस थीटा एन साइन थीटा, एन साइन थीटा एम जी के इक्वल है और एन कॉस थीटा इज एक्टिंग टूवर्ड सेंटर एंड इज प्रोवाइडिंग सेंट्रीपिटल, तो आपकी इक्वेशन क्या बनती थी, एन कॉस थीटा की वैल्यू सेंट्रीपिटल एम वी स्क्वायर बाय आर और एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी, इन्हें डिवाइड कर लेंगे, डिवाइड करके टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इस ट्राइंगल से टेन थीटा किसके इक्वल है, आर डिवाइडेड बाई एच, टेन थीटा इज आर डिवाइडेड बाई एच, इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, एक टेन थीटा यहाँ से आ गया, एक टेन थीटा ज्योमेट्री से आ गया, इक्वेट किया आर से आर कैंसल, तो हाइट की वैल्यू आ गई वी स्क्वायर बाई आर जी, क्वेश्चन में जी पता है और वी पता है, सॉल्व करके हाइट की वैल्यू कैलकुलेटेड आंसर, पर कोन की जो ज्योमेट्री बनती थी उसमें फ्री बॉडी डायग्राम जो बनते थे वो हमने क्लास में नोट किए थे, तो वही सेम ज्योमेट्री है, बस मैंने उसमें न्यूमेरिकल नहीं करवाया था, सिर्फ वे सिखाया था, तरीका सिखाया था कि कैसे सॉल्व करना है और इक्वेशन क्या बनेगी इसमें, तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक लगेगा, तो जिन्होंने अभी ये शीट नहीं की वो लोग ट्राई कर लें, आपको एक आइडिया पता लग गया कैसे करना है, आप घर जाके ट्राई करें और डाउट हो नेक्स्ट टाइम से पूछ लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट, 4 में ना क्वेश्चन पढ़ना भी नहीं है, बस इतना बता दो वर्टिकल सर्कल में टेंशन मैक्स कहाँ पर होती है, एट लोएस्ट पॉइंट, कम 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 मिनिमम, फिर ज़्यादा 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 मैक्सिमम, ऐसे ही है, वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना बना 90, वर्टिकल के साथ ये एंगल कितना 90, तो 90 डिग्री पे टेंशन टी है, ऊपर जाते जाते टेंशन और कम हो जाएगी, ऐसे ही है, मतलब जितना छोटा एंगल कवर होगा 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, तो जितना एंगल बढ़ता जाएगा टेंशन उतनी कम होती जाएगी, तो 60 डिग्री पे टेंशन कम होगी और 30 डिग्री पे टेंशन ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना छोटा एंगल है वर्टिकल का उतनी टेंशन ज़्यादा होगी, जितना बड़ा एंगल है टेंशन उतनी कम होगी, तो यानी कि टेंशन 60 डिग्री पे कम है और 30 डिग्री पे ज़्यादा, आंसर मार्क कर लेना, तो सॉल्व भी नहीं करना आपको इस क्वेश्चन को, ऐसे ही बता देना है, तो क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5, ऐसा क्वेश्चन किया था वैसे, तरीका बताया था, हो गया नहीं हो गया ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम एंड मिनिमम टेंशन इन द स्ट्रिंग, तो एक सर्कल है मैक्सिमम मिनिमम टेंशन रेडियस 2.5 है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी आर गिवन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहूँगा मैं इसे, इसमें ट्रिक है, आपको ऐसी कौन सी ट्रिक है, आप मुझे बस ये बताएं वर्टिकल सर्कल, देखो ये हॉरिजॉन्टल सर्कल का क्वेश्चन है कि वर्टिकल का, पहले मुझे ये बताएं, बिल्कुल मेंशन नहीं किया उसने, कैसे पता लगा वर्टिकल, क्योंकि टेंशन चेंज हो रही है, हॉरिजॉन्टल में बिल्कुल भी टेंशन चेंज नहीं होती, मानते हो ये बात, तो ये वर्टिकल सर्कल है, वर्टिकल सर्कल पे वेलोसिटी लोएस्ट पॉइंट पे क्या है, अंडर रूट ऑफ, जरूरी नहीं हमेशा हो, ये तो मिनिमम वेलोसिटी है, और इस केस में अगर मैं बोलूं कि मिनिमम वेलोसिटी क्या होगी तो रूट 5 जी आर होगी, और हाईएस्ट वेलोसिटी क्या होगी, रूट आर जी होगी, नहीं होगी, पता है क्यों ना,
क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा चालाकी से खेल गया, वेलोसिटी कांस्टेंट है, जबकि वर्टिकल सर्कल में ऐसा होता ही नहीं है। वर्टिकल सर्कल में ऊपर जाने में वेलोसिटी कम 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 होती जाती है, फिर बढ़ती रहती है, लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है वी चेंज ही नहीं हो रहा, वी की वैल्यू रिमेन्स सेम। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो तुम अपने कोई भी फॉर्मूला मत लगा देना इसमें जो तुमने डेरिवेशन की हुई है, इसमें चलेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो हमने अगेंस्ट ग्रेविटी काम किया था इसलिए चलते थे, सही है? तो मैक्सिमम मिनिमम टेंशन का रूल तो वही रहेगा, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पर होगी? एट लोएस्ट पॉइंट। मिनिमम टेंशन कहाँ पर होगी? एट हाईएस्ट पॉइंट। वो तो रूल पक्का है। तो आपको इस क्वेश्चन में टेंशन की रेशियो गिवन है, तो एक काम करते हैं, लोएस्ट पॉइंट पर टेंशन मैक्स है और हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन मिनिमम है। लोएस्ट पॉइंट पर इक्वेशन क्या बनेगी? टी मैक्स माइनस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन क्या बनेगी? टी मिनिमम प्लस एम जी इज एम वी स्क्वायर बाय आर। वी की वैल्यू दोनों में एग्जैक्टली सेम रखना, चेंज मत करना। अब एक काम करो, टी मैक्स यहाँ से टी मैक्स निकाल लो, वहाँ से टी मिनिमम निकाल लो और फिर दोनों को डिवाइड कर दो। तो टी मैक्स अपॉन टी मिनिमम कर दिया, एम 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 कैंसिल हो जाएगा। आपको ये रेशियो क्वेश्चन में गिवन है 5:3। आपको क्वेश्चन में आर की वैल्यू भी गिवन है, आर गिवन है, रेशियो गिवन है, क्या नहीं गिवन? तो सिर्फ वेलोसिटी। सॉल्व करके इस इक्वेशन में वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड आंसर। मेथड समझ में आया कैसे सोचना है इसमें, राइट? तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेंगी, ओरिजिनल इक्वेशंस, कोई फॉर्मूले नहीं चलेंगे इसमें, क्योंकि फॉर्मूला तब चलते हैं जब अगेंस्ट ग्रेविटी काम हो और लोएस्ट मिनिमम वेलोसिटीज गिवन हो। इसमें वी वेलोसिटी दे रहा है तो सारा कुछ फिर से ही करना पड़ेगा, तो यहाँ से आंसर आएगा, राइट? कोई डाउट इसमें? कितनों का हुआ ये वैसे क्वेश्चन? हो गया था सही? ठीक है, गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा। जिन्होंने कोई है जिस पे गूगल ड्राइव नहीं है जिनके पास, व्हाट्सएप करना, ईमेल आईडी व्हाट्सएप करना, तो ये ड्राइव पे आ जाएगी, आपके सॉल्यूशन आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखा सा लगता है, कॉनिकल पेंडुलम है क्या? लग तो वैसे ही रहा है। पूछो, नहीं हुआ तो पूछो, डाउट है? हो गया, कॉनिकल पेंडुलम ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमने किया था, याद करो, हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन था। कैसे? एक इंसेक्ट याद है, वैसे तो वो इंसेक्ट फ्रिक्शन ना होने की वजह से नीचे आ जाएगा, पर यहाँ पर वो पी पॉइंट पे घूम रहा है, तो वो कह रहा है कि एक हेमिस्फीयर है, 10 ग्राम का इंसेक्ट है या स्मॉल मास है, तो ये रेडियस आपको पता है इसका, हेमिस्फीयर का हाइट आपको पता है 0.1 मीटर है, क्या निकालना है? इक्विलिब्रियम है भाई। इक्विलिब्रियम कैसे हो सकता है? फ्रिक्शन तो है नहीं है, तो स्लाइड करता हुआ नीचे आएगा ही आएगा, पर ये स्लाइड करता हुआ इसलिए नीचे नहीं आएगा क्योंकि घूम रहा है, हेमिस्फीयर घूमने की वजह से वो हाइट अटेन कर गया। तो इसकी इक्वेशन बनाते हैं और एंगुलर स्पीड ओमेगा निकालते हैं। तो इक्वेशन कैसे बनेगी सिखाई थी इस केस में, क्योंकि हेमिस्फीयर तो नॉर्मल रिएक्शन हमेशा कहाँ से पास करेगा? इसके सेंटर से। तो नॉर्मल रिएक्शन है, ये वर्टिकल के साथ एंगल थीटा है, एन के कॉम्पोनेंट्स हैं, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा, कोन वाली सेम प्रॉब्लम है। एन कॉस थीटा एम जी है, एन साइन थीटा इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर है। तो एन कॉस थीटा एम जी है, एन साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर है। आर की वैल्यू 0.3 मीटर गिवन नहीं है, आपको क्या गिवन है? आपको ये रेडियस गिवन है 0.5, तो ये डिस्टेंस भी 0.5 है। तो अगर ये डिस्टेंस 0.5 है, तो ये डिस्टेंस 0.1 है, तो ये डिस्टेंस 0.4 है। ये 0.4 है, ये 0.5 है, रेडियस है, तो ये कितना आ जाएगा? 0.3 आ जाएगा। तो आप ज्योमेट्री से राइट एंगल ट्राइंगल से इसका रेडियस तो निकाल ही सकते हैं, 0.3 है, तो आपने यहाँ पर रेडियस को पुट कर दिया 0.3। फिर आपने इन्हें डिवाइड कर दिया 2 को 1 के साथ, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई। लेकिन आपने ये ट्राइंगल को अलग से बनाया जिसमें ये 0.4 है, ये 0.5 है, ये 0.3 है, यहाँ से टेन थीटा निकल सकता है। आर की वैल्यू 0.3 है, टेन थीटा आएगा 0.3 डिवाइडेड बाय 0.4। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल से टेन थीटा निकलेगा, एक डिवाइड करके टेन थीटा निकलेगा, दोनों टेन थीटा को इक्वेट करके आंसर आ जाएगा, ओमेगा आंसर आ गया। पॉइंट क्लियर है यहाँ तक कि कैसे सोचना है इसमें? एक टेन थीटा इक्वेशन से आएगा और एक टेन थीटा राइट एंगल ट्राइंगल से आ जाएगा। तो जिन्होंने ये शीट नहीं की वो ट्राई करेंगे इसे और अपना आंसर निकाल लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट भाई, इतना ही है, ठीक है? ठीक है।